क्या आपका रिजल्ट जून में आने वाला है या फिर आपका रिजल्ट जुलाई में आने वाला है। भाई ये इतनी सारी इधर उधर की बातें हमें सुनने के लिए आ रही हैं, और भी नहीं तो हमें ऐसी ऐसी बातें सुनने आ रही है कि आपका जो रिजल्ट है वो जून में आएगा, जून के फर्स्ट वीक में आएगा, सेकंड वीक में आएगा। यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वीडियो मैं आप लोग के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही बना रही हूँ कि आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो मई में आ जाएंगे। 15 to 20 मई के बीच में आप लोग की मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है, तो आप लोग के रिजल्ट बहुत आराम से 15 से 20 जून मई के बीच में आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। रिजल्ट आते ही सबसे पहले आपको उसको डाउनलोड कर लेना है, और कैसे करना है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। ICSE बोर्ड रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है एंड सिंपली टाइप करना है ICSE रिजल्ट 2023। जैसे ही आप ICSE रिजल्ट 2023 टाइप करेंगे, थर्ड ऑप्शन पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। ये सेम आइकन वाला ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन ऐप है जहाँ पे आपको रिजल्ट के साथ साथ बाकी और भी इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ में आप इस ऐप को रेट कर सकते हैं एंड अपना एक कोई भी अच्छा सा रिव्यू डाल सकते हैं। जैसे ही रिव्यू डालने के बाद आप इस ऐप को ओपन करेंगे, आपको क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों ही रिजल्ट को डाउनलोड करने के ऑप्शन दिख जाएंगे। चेक रिजल्ट पर क्लिक कर करके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स को देखने के लिए इस ऐप को इंस्टॉल ज़रूर कर लें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर आप अपना कितना रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ICSE का रिजल्ट वैसे ही बहुत बेहतरीन आने वाला है और मैं आपके साथ हूँ। हम लोग एक कनेक्शन फॉर्म करेंगे, लाइक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, तो आपकी मैम आपको सारी अपडेट्स देंगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड दोबारा मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तो टाटा बाय बाय, सी यू तब तक के लिए।